सर थैंक आज का सेशन बहुत अच्छा लगा यू, थैंक यू सो मच। इसको सर। इफ यू हैव मोर कैपिटल देन इन दैट केस व्हाट इज बेटर टू गो फॉर ऑप्शंस और फ्यूचर्स इन निफ्टी? फ्यूचर थोड़ा रिस्की है, जब तक आप 2-3 साल ट्रेड नहीं करते ना मार्केट में, डोंट गो इन फ्यूचर। आपके सामने पोल है, आप कर सकते सर। हेलो सर, सर एक बार स्कैनर ट्रेडिंग व्यू में कैसे पेपर ट्रेड करते हैं सर, एक बार फिर बोलिए ना। इधर आओ, लॉगआउट करो, मैं फिर से देखो, यूट्यूब पे देख लो एक बार, करो पेपर ट्रेडिंग लिखा, कनेक्ट दबाना। हेलो, ओके सर, बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट का एसएल होना चाहिए? क्या क्या बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट का एसएल होना चाहिए प्रीमियम में? एमएमओसी गाइस इधर नहीं, चलो एक्सेल शीट और स्क्रीनर जो आपने पहले देखा है वो शेयर हो सकता है क्या? शेयर मैंने किया है ऑलरेडी ग्रुप पे सर, वो ग्रुप पे मैंने क्लिक किया तो उसमें कोई वो ब्लैंक है पूरा। देखो इधर आओगे ना स्कैनर पे, आपको इधर रन स्कैनर पे क्लिक करना है, देखो नो फिल्टर। स्कैनर थोड़ा एक बार दिखा दीजिए ना, क्योंकि स्कैनर प्रॉब्लम है, उसके फिल्टर्स लगे ही नहीं। देखो सर, एक्सक्यूज मी, इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करने में सर बेनिफिट है कि नहीं? आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है। रन जाना सर, देखो स्कैनर को यूज करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं बोला ना हर रोज जाके आपको नए स्टॉक्स नहीं ढूंढने, एक चीज पे फोकस करो, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक्स में जाके ट्रेड मत करो, बहुत ज्यादा रिस्की है। ऑप्शन में अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहोगे ना, स्टॉक्स में ट्रेड करने जाओगे ना, बहुत बड़ा इश्यू आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, डोंट गो एंड लुक फॉर न्यू स्टॉक्स एवरी मॉर्निंग। हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्विंग वगैरह ढूंढने ना, तो आओ इधर चार्ट ढूंढो बुलिश साइड पे एंड स्विंग ट्रेडिंग मारो। ठीक है, इधर आके स्टॉक ढूंढने क्या करना है, ये लिंक है ना सर, आपकी सिर्फ एक्सेल शीट ही विजिबल है। एक मिनट ना, अभी दिख रहा है? इधर जाके आपको इस पे क्लिक करना है स्कैनर पे। अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट बुलिश है ना, तो बेरिश वाले स्कैनर में ज्यादा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक बुलिश है। डेली में तो जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स बुलिश है। इधर जाके आपको सेगमेंट चेंज करना है, निफ्टी 200 का 500 करो, इधर जाके देखो कि कुछ आ रहा है। ठीक है, इधर भी नहीं आ रहा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स आर बुलिश। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि बुलिश सिनेरियो है, तो बुलिश स्कैनर में देखो, ये चारों के चारों आपको दिए गए हैं, इसमें से बुलिश सिनेरियो पे बुलिश स्टॉक देखो, बेरिश सिनेरियो पे बेरिश स्टॉक देखो। बुलिश सिनेरियो चालू है तो ये सारे स्टॉक्स है। अभी आपको जाके इसको लगाना है चार्ट पे, इधर आके लगाना है एंड देखना है कि मैं किधर क्या ट्रेड ले सकता हूँ। वो लेने के लिए आपको ये एक्सेल शीट भरना है, ये वाला जो मैंने अभी भरा आपके सामने, टाटा स्टील का आया, आपको दिख रहा है तो इधर टाटा स्टील आया डेली बुलिश में, एंड मैंने वही जाके चार्ट लगाया टाटा स्टील का, एंड मुझे समझा कि अरे ये तो बुलिश है, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, एंड मैंने इसको जाके एक्सेल में सॉल्व किया। ये आपको पहली पहली बार करना पड़ सकता है, जब आपको इतना ज्यादा यूज टू नहीं हो, बाद में जाके आपको ये एक्सेल भरते रहने का जरूरत नहीं है, आपको जाके समझ जाएगा कि क्या क्या मुझे देख। दैट्स इट, वो जाके आपको शॉर्टलिस्ट करना है, स्कैनर में से भी आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे कौन से चीजों को बाय करना है, कौन सी चीजों को नहीं बाय करना, ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, इतना ही है स्कैनर का, ज्यादा क्या है, रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ओके, ग्रेट गाइस, स्टार्ट योर वीडियोस प्लीज। अपर्णा मैडम, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो आप ले सकते हैं। ग्रेट, आई होप
Now, I don't want any more of the questions. Okay? I just want you to tell me how was the session. If anything can be improved. Aparna madam, can you send the attendance sheet here? Sir, to tell about the Pyada strategy. Rutuj Pyada strategy. हाँ अरे वो तो रह गया ठीक है सॉरी सर थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग ले लेते थोड़ा जो निकल गए ना अभी उनको नहीं मिलेगा ठीक है इश्यू नहीं है जो गया वो गया ये जो बोलते हैं हम हाजिर वो वजीर ठीक है इधर हम राजा वजीर पे आधा देखते हैं फिलहाल के लिए ठीक है इसमें क्या है तीन रूल्स है राजा में आपको देखना है ट्रेंड वजीर में देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न ओके एंड प्यादा में देखना है चार्ट पैटर्न ओके आई विल रिपीट राजा में आपको देखना है ट्रेंड क्या ट्रेंड चालू है वजीर में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है एंड प्यादा में जाके आपको चार्ट पैटर्न देखना ओके ऐसा क्यों बिकॉज आपको क्या लगता है कि चार्ट पैटर्न फॉर्म होने के लिए कितने कैंडल्स लगते रहेंगे एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न फॉर्म होने के लिए कितने कैंडल्स लग सकते हैं रफली कैंडलस्टिक नहीं चार्ट पैटर्न ठीक है मतलब मोर देन आराम से 20-30 तो कैंडल लगते ही रहेंगे मिनिमम उससे भी ज्यादा बट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के लिए कितने कैंडल्स का जरूरत पड़ता है सो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के लिए मुझे 2-3 कैंडल्स का जरूरत पड़ता है तो मेरा अगर 1 month का राजा है एक ओके सॉरी सो 1 month में मेरे वीकली के कितने कैंडल्स रहेंगे एक मंथ के कैंडल के अंदर मेरे वीकली के कितने कैंडल्स रहेंगे चार क्योंकि 4 वीक्स रहते हैं एंड डेली के कितने रह सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट दिन रहते हैं 30 बट ट्रेडिंग वीक्स रहते हैं ट्रेडिंग डेज रहते हैं 22 ठीक है तो डेली में आपको 22 कैंडल मिलेंगे अभी मुझे बताओ लॉजिकली अगर आपका मंथली टाइम फ्रेम बुलिश डायरेक्शन में है मतलब ऐसे बुलिश जा रहा है ओके तो इधर वीकली में मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न दिख सकता है कि मेरा मंथली बुलिश है वीकली में एक डाउनसाइड करेक्शन आ रहा है छोटा सा एंड वो डाउनसाइड करेक्शन के बॉटम में मुझे दिख रहा है कि एक हैमर बन रहा है जो है बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न बुलिश रिवर्सल कैंडलशिप पैटर्न तो प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक और टाइम फ्रेम नीचे जाके एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिल सकता है तो यही करना है आपको कि प्यादा का इस्तेमाल जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए करना कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपके वजीर वाले टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा बिकॉज वजीर में ज्यादा कैंडल्स नहीं रहते ज्यादा कैंडल्स मिलने के वजह से चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है ओके तो ये क्या होता है कि ऐसे आपका मंथली बुलिश है वीकली में ऐसे हुआ है ऐसे इधर तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है एंड बॉटम पे ऐसे
रिवर्सल कैंडलस्टिक रिवर्सल चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने, क्योंकि क्या होता है ना वजीर में आपको इधर सिर्फ नॉर्मल कुछ तो पैटर्न दिख जाएगा कि ये एक रेड कैंडल था एंड उसका एक एनगल्फ आ गया, दैट्स इट, इतना दिखेगा। बट लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये ऐसा डबल बॉटम बन गया है। सो ये रेड कैंडल हमारा फर्स्ट बॉटम एंड फिर ये ग्रीन कैंडल का जो बॉटम है वो हमारा सेकेंड बॉटम और फिर ऊपर चला गया तो ये मेरा डबल बॉटम हो गया। तो ये वाले टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे वाले टाइम फ्रेम में आपको आके ऐसे कुछ तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न ढूंढने हैं जो कभी कभार वजीर वाले टाइम फ्रेम में नहीं मिलते। मैं आपको जाके एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इसको पकड़ा था, टाटा मोटर्स को, इसको जाके मैंने पकड़ा था बैक इन अगस्त, इधर अगस्त 2021, ठीक है। इधर आपको दिखेगा कि मेरा राजा है, उसमें मैं देखूंगा एमएसडी, इधर जाके मैं एमएसडी देखूंगा। तो मुझे बोल रहा है अरे अरे कंडीशन बराबर, अभी भी मैं फीवर में आऊंगा, ये वाले वाले प्राइस प्राइस एक्शन में तब मुझे से एक टिक टाइप टाइप करके अरे ओ थोड़ा सा सा मॉर्निंग का अच्छा सा सा दोस्तों मत आप ये ये की कंडीशन दोस्तों अगर माइंड माइंड कर देते हो कंबाइन माइंड तो आपको लगता है कि और मॉर्निंग का मत है वैसे ऐसे ही हुआ है। तो आपका वो वजीर जो जो अपनी डील ही है आपको इधर इधर देखिए आर आर एस तो आर एस आर एस आर मुझे बोल रहा है बाय मैं बाय बाय करूंगा आपको एक और हायर हायर का इंफॉर्मेशन चाहिए ना आपके एयर पे आना मैं आऊँ मेरा वजीर है।
हार्ड नहीं है,
It was very late. Having a lot of session with you. And Thank you for attending. Good night. Bye.